एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है, हमने ऑनलाइन एचएसएससी सीटी मेंस कॉमर्स का बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो आज बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, तो सोचा क्यों ना उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर सारे के सारे बच्चों की क्वेरी को समर्प किया जाए और साथ के साथ सोल्यूशन दिया जाए। तो सबसे पहले इसलिए मैंने आज टॉपिक का जो नाम रखा है, व्हाई वी नीड टू ज्वाइन एचएसएससी सीटी मेंस कॉमर्स बैच, हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट है जो मैंने कंसीडर किए हैं बच्चे की क्वेरी के अकॉर्डिंग ही। सबसे पहला पॉइंट, क्यों करना चाहिए जी? क्यों? क्योंकि सर इसके बाद क्या है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है। पहला मोटिवेशन तो आपका यही रहेगा, यानी कि आज की वीडियो आप बोल सकते हैं मोटिवेशन वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि इसके बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है, और एक अच्छी बात और है कि सर इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। क्या नहीं है? इंटरव्यू नहीं है, कि आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना पड़ेगा और ना ही इंटरव्यू के लिए कहीं भटकना पड़ेगा भी, सिफारिश वगैरह के लिए, पैसे वगैरह के लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आया है, एक तो ये बेनिफिट, दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू आया है वो आया है कि सर चार गुना ही बुला रहे हैं। कितने बुला रहे हैं सर? 4 times बुला रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, जिस बच्चे के 60 नंबर बने हुए सीटी के प्री में, वो भी कंफ्यूजन है कि सर भरें ना भरें, क्या करें क्या ना करें। अब देखो, चार गुना बुला रखे, नो डाउट ये पहले से क्लियर कर रखा सरकार ने, लेकिन आपको पता है कि जो ये ईयर है 2023 जो आपका है, ठीक है, 2023, ये इलेक्शन का टाइम है और सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सीटी ज्यादा बच्चों का क्वालिफाइड है, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर कि सबको, जिसका क्वालिफाई है उसको आप इस आप हो सकते हो टेस्ट के लिए क्वालिफाई कीजिएगा, उनको एप्लीकेशन के लिए मौका मिलेगा, ठीक है, और वो सबको बुला लेंगे, कोशिश ये भी है। तो इलेक्शन का साल है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप ये मौका मत गवाइएगा ये सोचकर कि चार गुना में मेरा नंबर तो नहीं आएगा, मेरे तो 50% है, 40% है, तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा, लोगों के 100% है, 90% है, 80% है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉसिबिलिटी में अब जैसे आप भी तो पॉसिबिलिटी ले रहे हो कि मेरा नंबर नहीं आएगा, तो इससे अच्छा कि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव सोच लो कि मेरा नंबर आ सकता है, हो सकता है सरकार चार गुना ना बुलाकर ज्यादा भी बुला ले, हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जो एचपीएससी पीजीटी का था, पहले सिलेबस निकाल दिया, सब तैयारी कर दी, सब बच्चों ने बैच भी ले लिया, अच्छी खासी तैयारी होगी, पेपर होने वाला था, तो सरकार ने क्या बोल दिया, हम सिलेबस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, अभी कोई बात हुई है। तो ऐसा ही मित्रों आपके साथ भी हो सकता है कि आप चार गुना के चक्कर में बैठ जाओ और बाद में आप क्या करो, तैयारी ना करो और बाद में बुला ले कि आ जाओ, सभी आ जाओ जिसका सीटी क्लियर, हम सबको ले रहे हैं, फिर क्या करोगे। तो इसलिए अफसोस करने से अच्छा है थोड़ा सा रिस्क ले लिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हर किसी ने सीटी नहीं दिया। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो मैंने बहुत सारे जो मेरे कलीग हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने सीटी दिया ही नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं हमें नहीं जाना, हम तो सिर्फ वो टेस्ट देंगे, वो एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें कॉमर्स आता है। तो जो ये अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, पहले क्या है, ये बीकॉम बेस पे हैं, एमकॉम बेस पे हैं, तो इन्होंने क्या किया, सीटी भरा ही नहीं पहले। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आपने सीटी क्वालिफाइड भी कर रखा है, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपके नंबर 40% है, 50% है या 60% है। तो आप क्या है, एलिजिबल तो हो। तो पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कॉमर्स स्टूडेंट जो है, सबने सीटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके लिए चांसेस ज्यादा बन गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो आपका भी सर्कल मिल जाएगा, कि कॉमर्स वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको अपने आस पड़ोस में, जिन्होंने सीटी का एग्जाम भरा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो पहले क्या था, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं भरा, क्योंकि जो ये पोस्ट है ना, पोस्ट, ठीक है, ये पहले सीटी के अंडर नहीं थी, सीटी के अंडर नहीं थी जो अकाउंटेंट वाली पोस्ट है, सारे का सारा पहले भी बता रखा था। अगर पहले बता रखा होता कि अकाउंटेंट वगैरह सारी हम पोस्ट सीटी के अंडर लाके करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ऑडिटर की पोस्ट के लिए कोई नहीं छोड़ता सीटी का एग्जाम, ठीक है। तो पहले मेंशन नहीं था, बच्चे बस वो बोलते ना, इस शक में ही थे, क्योंकि सीटी पहली बार हुआ था, तो बच्चे इस वहम में थे कि नहीं अकाउंटेंट का तो अलग ही होगा, सीट तो सिर्फ ग्रुप डी के लिए लिया गया है या सी के लिए कुछ सब्जेक्ट ही हो गए। तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम जो बीकॉम बेस पे क्वालिफाइड है, बीकॉम बेस के लिए जिसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो भी सीटी के अंडर दे देंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट एक तो ये भी बन गए हैं, क्योंकि इस कॉमर्स स्टूडेंट ने क्या है, एग्जाम ही नहीं दिया था,
हो जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए हम एक न्यू बैच लेके आए हैं, ऑनलाइन न्यू बैच, न्यू बैच, ठीक है। और ऑनलाइन जो न्यू बैच लेके आए, इसकी खासियत क्या है, देखिए साहब, सिलेबस आपका दे रखा 70%, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, यानी क्या आएगा सर, कॉमर्स आएगा, ठीक है। 70% में से 33 सब्जेक्ट दे रखे हैं, और ये कोई अलग नहीं है, कहीं सोचो कि पता नहीं क्या करवाएंगे सर, अरे ये वही तो है, प्लस वन है, प्लस टू है, बीकॉम, बीकॉम इन द सेंस है कि सारे सेमेस्टर, 6 के 6 सेमेस्टर, यानी कि 6 के 6 सेमेस्टर है यहां पर, 6 के 6 में लिख देता हूं, और साथ में एमकॉम भी दे रखी है। तो आपको ये बैच जो हमने ज्वाइन करवाया है आपको, बच्चों को, बच्चों ने ले भी रखा है, अब तक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, बस उनके जो क्वेश्चन थे, उनकी जो क्वेरी थी, उनको सॉल्व आउट करने के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो ये 33 सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ हम एक सब्जेक्ट नहीं करवा रहे, वो भी मैथ वाला का नहीं करवा रहे, ठीक है, यानी कि 32 के 32 सब्जेक्ट हम आपको करवाएंगे। कितने सब्जेक्ट करवाएंगे? 32 सब्जेक्ट। आप खुद भी कर सकते हो, प्लस वन टू बीकॉम सारी बुक ले, बुक लेके आओगे तो इतनी कॉस्ट हो जाएगी, फिर सबको पढ़ के समरी निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो टाइम है, जो एफर्ट है, उसके लिए ही हम ये चार्ज करें, और 8,000 रुपए नॉमिनल सा चार्ज है, यानी कि 32 सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए से भी कम पड़ गया। तो फीस किसके लिए कितनी रहेगी? फी रहेगी 8,000 रुपए ओनली। कितनी रहेगी? 8,000 रुपए रहेगी फीस इसकी, ठीक है। ऑनलाइन बैच है, 8,000 रुपए फीस रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस 8,000 में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो ही हम प्रोवाइड करवाएंगे, इस वीडियो के साथ साथ हम आपको पीडीएफ प्लस में एमसीक्यू वगैरह सारे का सारे प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे ही वीडियो आपका डेली बेसिस पे 2 वीडियो आएगी, तो और भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था। क्या डाउट था? मान लीजिए 7th हो गया, ये 8th हो गया, 9th पॉइंट अगर मैं लेता हूं, क्या सर टाइम पे सिलेबस करवा दोगे क्या? क्या था सर, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवा दोगे क्या? मैं बोल रहा हूं कि गारंटीड करवा देंगे। आपका जो पेपर लेंगे ना, ये पेपर, पेपर से पहले सिलेबस करवा दूंगा मैं। क्यों करवा दूंगा? क्योंकि अभी अभी हमने क्या किया, एचपीएससी का बैच भी निकाला, पीजीटी वाला सारा का सारा, उसमें भी प्लस वन टू थी, तो हमारे पास पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो कम से कम आप ये मान लो कि 80 वीडियोज तो हमारे पास पहले हैं, 80 प्लस, ठीक है। 80 प्लस में कुछ सब्जेक्ट आपका ये मान लो कि 30-40% तो आपका ये रिकॉर्डेड वीडियो पहले से हम दे देंगे। जो बच गए हैं आपका 60% सिलेबस, वो हम आपके डेली बेसिस पे 2 वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। डेली बेसिस पे मिनिमम 2 वीडियो होगी। क्या होगी? मिनिमम 2 वीडियो होगी डेली बेसिस पे, ठीक है। इसलिए तो आप ये डाउट तो छोड़ ही दो कि सर की डेली बेसिस पे कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करवा ही देंगे। तो पीडीएफ भी मिलेगी, साथ के साथ जो है आपको एमसीक्यू वगैरह भी मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इधर जो निकाले गए हैं 1421 पोस्ट है, जो अकाउंटेंट नाम से निकाली गई है, अकाउंटेंट या अकाउंट्स जॉब लिख सकते हो, अकाउंट्स जॉब 1421 ग्रुप नंबर 6 में, ठीक है। इस 1421 पोस्ट को वही भर सकता है जो बीकॉम वाला हो, तो आपका तो वैसे भी कंपटीशन दूर हो गया कि सर जो बीकॉम बैकग्राउंड से वही इस पोस्ट को भर पाएंगे और नहीं भर पाएंगे। तो क्यों ना आइए मिलकर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें साथ मिलकर, ठीक है। तो फीस भी जेन्युइन सी है, और डेली बेसिस पे आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, और भाई इतना डरना तो जरूरी भी नहीं है कि 60% नंबर ले रखे, 70% नंबर ले रखे, सर मैं तैयारी करूं ना करूं, अरे 8,000 रुपए तो है, और वैसे थोड़ी कहीं फेंक रहे हो, कुछ तो नॉलेज मिल रही है, ठीक है। 32 के 32 सब्जेक्ट अगर आपको आते हो, कल को कहीं स्कूल कॉलेज कहीं टीच करते हो, तब भी बेनिफिट है। आगे कोई भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम आता है, आपके पास पीडीएफ है, एमसीक्यू है, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी। तो अगर आपको और भी कोई, फिर भी मैं बोलता हूं कि मैंने ओवरऑल जितने बच्चों के थे सजेशन वगैरह सारे को कंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप 9812926011 पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज हमें बताइए, ठीक है। तो डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीते रहिए, मजाक कर रहा हूं कि डर के आगे जीत, इन द सेंस है कि आप कर सकते हो, बस ये थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आइए। Thank you, all of you.